अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शका में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरे अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं विमल झाजरिया वास्तुविद हूँ, आज की कुछ पंक्तियां रख रहा हूँ। मैं सैनिक संगीन संभाले दूर दूर तक दृष्टि डाले, हर एक पांव की आहट लेते, सीमाओं पर पहरा देते, खड़ा खड़ा मैं सोच रहा हूँ, धरती पर सीमाएं क्यों हैं, अनचाही रेखाएं क्यों हैं, क्या मानव को मानव का विश्वास नहीं है, सीमाओं के इधर उधर क्या इंसानों का वास नहीं है। गंगा को उद्गम स्थल गंगोत्री, या यूं कहूं भारत उत्तराखंड में अवस्थित गंगोत्री धाम, इनके बारे में तो आप लोग सुनेड़ा ही हो। और एक तथ्य जो शायद सब ने जानकारी में कुनी, गंगोत्री धाम से हर साल जल पशुपतिनाथ में अभिषेक करने के लिए लायो जावे है, जो पिछले कई वर्षा की परंपरा रही है। और बीच में यह परंपरा कुछ रुक गई थी, लेकिन अब फिर पिछला 10 वर्षा से बठका पुजारी ये परंपरा ने शुरू कर रखा है और वे हर साल लेकर आवे है। आओ पहले देखा व कलश जो आवे है और अभिषेक के लिए पशुपतिनाथ में ले जायो जावे है, उनकी थोड़ी सी झलक। बोलिए बाबा पशुपतिनाथ की जय। बोलिए बाबा पशुपतिनाथ की जय। बोलिए बाबा पशुपतिनाथ की जय। बोलिए गंगा माता की जय। आज आपने कने अतिथि है उई गंगोत्री धाम का श्री शिव प्रकाश महाराज जी रावल है, और ये ही पूरे लेकर आवे है ये जल पिछले 10 वर्षा से। आज इना से ए विषय में और अन्य विविध विषय में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। रावल जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गंगोत्री के जल को महत्वपूर्ण कहा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, गंगा जल अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसको साक्षात पर ब्रह्मण भी कहा गया है। हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च स्वर से उद्घोष किया है, साक्षात पर ब्रह्म रूपेण द्रव्य रूपेण दावत, साक्षात परमात्मा ही द्रव्य रूप में प्रवृत्त हुई वह गंगा है। और इसकी मान्यता तो हमारे वेद व्यास जी ने बाबा तुलसी मानस में कई कई कोटि कथा प्रसंगा, बहुत अनन्य कोठीय कथा है। इसका जो महत्व है वो कहने, हम जैसे इंसान तो कितना गुणगान कर सके, बहुत अधिक महत्व है। हम प्रत्यक्ष जितना देखते हैं कि गंगा जी को कितने सालों रख लो, कोई उसमें अशुद्धि नहीं होती है, कई रोगों को मुक्त गंगा जी के पान मात्र से होता है, ऐसे हमारे पुराने ऋषि मुनि बताते हैं। बड़े वेद पतंजलि आदि ने, गंगा का जो पतंजलि ऋषि हुए जिन्होंने वेद को आयुर्वेद को हमारा उत्पन्न किया, वो ऋषि भी बताते कि गंगा जल पान मात्र से रोगम शोकम तापम, रोग को भी ये गंगा जल मुक्त करता है। इसलिए भी बहुत बड़ा पुण्य प्रद जल भी कहा जाता है, और साक्षात परमात्मा का स्वरूप भी है। हमने एक चीज़ सुना है कि गंगोत्री का जो जल है उसको कितने भी वर्षों तक रखा जाए, घर में संचय करके रखा जाए,
उसमें कीड़े नहीं लगते, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये साक्षात पर ब्रह्म रूपेण है, उसका द्रव्य रूप है। भागवत में नवम स्कंद में नवम अध्याय में, देवी भागवत में नवम स्कंद के नवम अध्याय में वेद व्यास जी ने हर जगह गंगा जी का वर्णन जब करना था उनको, तो उन्होंने नवा अध्याय चुना, नवा स्कंद चुना। क्यों? कि नव पूर्णांक है, ये गंगा जो है पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ना, पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए वेद व्यास जी ने भी हर जगह इसके लिए पूर्ण नौ अंक ही चुना। गंगा जी की जो व्याख्या उनको करनी थी पुराणों में, हर जगह देवी महापुराण में श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद ही चुना। तो इसलिए ये पूर्ण ब्रह्म है। ये प्रत्यक्ष हमारे राजा राजस्थान के हुए हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष कई वर्षों अपने घर में रख के देखा, बिल्कुल शुद्ध और निर्मल रहता है। भले मात्रा थोड़ी कम हो जाती है पर लेकिन शुद्धता पूर्णता वही रहती है। और आप जैसे गंगोत्री का जो जल है वो कलश में लेके भगवान पशुपति नाथ का अभिषेक करने के लिए लेके आते हैं जी, जबकि भारत में ही अन्य इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है जी, या यूं कहूँ शिवलिंग भी बहुत है, 12 ज्योतिर्लिंग भी है वहाँ पे जी, लेकिन पशुपतिनाथ में ही लाने का कारण क्या? हाँ, इसका देखो मूलतः जो कारण जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये पुरानी एक परंपरा थी, नेपाल और उत्तराखंड की रोटी बेटी का एक पुराना रिश्ता था। जितने भी श्रोता सुन रहे हों तकरीबन कई लोग इस चीज़ से विगत होंगे, जानते हों इस बात को कि उत्तराखंड और नेपाल का रोटी बेटी का सवाल था। और एक दूसरा जो नेपाल में श्री पांच सरकार है, काजी अम्बर सिंह थापा करके एक मेजर हुए, वो गंगोत्री का जो अभी हम वास्तविक मंदिर देखते हैं उसका जीर्णोद्धार की जो शुरुआत उन्होंने की, उसके बाद जयपुर के राजा हुए जिन्होंने उस मंदिर को, जो आज जिस मंदिर का हम दर्शन करते हैं, उनके द्वारा निर्मित है। वर्तमान में डॉक्टर केसी मेहता जो अहमदाबाद के निवासी है उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो ये तीन परंपरा, एक तो काजी अमर सिंह थापा, उससे भी जो पहले के राजा हुए, नेपाल उत्तराखंड का पुराना तारतम्य है और रोटी बेटी का सवाल है। और यहाँ से जिस दिन कपाट खुलते थे, काजी अमर सिंह थापा का तो हमारे पास लिखा हुआ भी है कि धूप बत्ती के लिए कपाट खुलने के टाइम पे भोगबत्ती के नाम से गंगोत्री आता था, और गंगोत्री के जब कपाट बंद होते थे जल यहाँ आता था। एक बात, दूसरी बात, 12 ज्योतिर्लिंग भले भारतवर्ष में, पर लेकिन जब तक हम काठमांडू नहीं आते हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं करते, तो वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। इसलिए भी ये जरूरी है कि नेपाल पशुपतिनाथ आना जरूरी है। ऐसा भी हमने सुना है कि जैसे भारतवर्ष के जो चार धाम है जी, उनकी यात्रा के बाद भी जी पूर्णता देने के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन की जरूरत है, कहते हैं। हाँ, कहते हैं शास्त्रोक्त तो हम ये है कि जो केदारनाथ है उसको पृष्ठ भाग बताया गया है, तो जब तक हम पूरा दर्शन ना करें तब तक अधूरा जैसा तो लगता ही है, तो संभवतः ये भी से ठीक है। और गंगोत्री मंदिर में जो समिति बनी हुई है आपकी जी, उसको आप लोगों ने श्रीपांच मंदिर समिति गंगोत्री धाम नाम दिया हुआ जी, ऐसा क्या उसमें कारण है कि श्री पांच क्यों लिखा गया? हाँ, संभवतः जो मैं अपनी जानकारी के हिसाब से दूं, क्योंकि नेपाल श्री पांच था, श्री पांच सरकार नेपाल, हाँ, तत्काल के राजा, तत्कालीन राजा श्री पांच ही कहा, श्री पांच ही कहा जाता था। हाँ, उन्हीं की वजह से जो भोगबत्ती के लिए वहां जाता था वही श्री पांच आज भी गंगोत्री में चल रहा है। और ये सेतु तर्पण क्या है? हाँ, सेतु तर्पण नाम की क्रिया के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी पूछी है। संभवतः मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों को इस जानकारी के बारे में नहीं मालूम है। सेतु तर्पण नाम की क्रिया स्कंद महापुराण में बताया गया है कि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम में जल ले जाते हैं लोग गंगोत्री से और वहाँ अभिषेक कर देते हैं, तो वो पूरी यात्रा नहीं मानी जाती है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए वो इतना ही करते हैं। तो आपके हिमालय टीवी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूँगा कि गंगोत्री से जल भर के हम विधि विधान से रामेश्वरम लेके जाएं। रामेश्वरम में जो विधान है, सबसे पहले समुद्र स्नान, सूर्योदय, उसके बाद 33 कोटियों का स्नान, उसके बाद भगवान का दर्शन और जल से अभिषेक, उसके बाद धनुष कोटिका नाम की एक जगह वहाँ पे है, वहाँ जाके नारियल के खप्पर में, जिस प्रकार से हम गंगोत्री से जल को लेके आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार को नारियल के खप्पर में पानी निकाल के उसमें रेती भर के उसी आदर के साथ वापस गंगोत्री ले जाके, गंगोत्री में गौरीकुंड नामक एक जगह है वहाँ पे रुद्र पाठ के साथ उसको तर्पण करने का विधान है, तो वह सेतु तर्पण नाम की क्रिया है। तो इसका ये मतलब हुआ क्या, जो सेतु बांध जिसे कहा जाता है,
ये एक तरीके से सेतु बांधना हुआ क्या रामेश्वरम? नहीं, 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 आपस में मिलजुल कर इधर की चीज उधर, ये सब एक अखंडता और एकता का प्रतीक भी है। ये हम अपनी दृष्टि से सोचे, पुराणों की दृष्टि में सेतु तर्पण नाम की ये क्रिया है। ऐसे जल ले के अभिषेक करके आ गए, वो इसका पूरी विधा सेतु तर्पण नहीं है। सेतु तर्पण नाम की जो क्रिया स्कंद पुराण में बताई गई, वो वापस रेती लेके, और इसमें ऐसा भी कई श्रोता ऐसा सोच रहे हो कि एक बार में कहाँ ऐसा संभव हो पाता है कि हम वहाँ भी जाए और वापस फिर वो कर पाए, ऐसा बाधित नहीं है। आप एक साल भगवान ने कृपा करी, आप गंगोत्री गए, जल भर के वापस अपने घर आ गए। गंगा जल तो वर्षों भर रखो कुछ नहीं होता है, सभी लोग इस चीज़ से जानकारी है सबको। जल को अपने घर के पूजा वाले स्थल पर रखे, भगवान जब आज्ञा दे तो आप रामेश्वरम पहुँचे, रामेश्वरम में अभिषेक किया और फिर धनुष कोटिका की रेती भर के पुनः अपने घर वापस आ गए। उसको भी वैसे अपने पूजा के घर में रखे, फिर भगवान ने दिया तो गंगोत्री पहुंचे, उसके तर्पण कर दे, तो भी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। कहने का मतलब कितने भी कितना भी समय लग जाए लेकिन उस यात्रा को पूरी अगर करनी है तो ये नियम पालन करना होगा। सेतु तर्पण नाम की क्रिया के लिए ये क्रियाएं करनी जरूरी है जो पुराणों में बताई गई है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गंगोत्री का जो कपाट बंद होता है और जो खुलता है, करीब 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुलता है जी, तो वहाँ पे जो अखंड ज्योति, हाँ, जो दीपक जलता है, हाँ, वो जब कपाट बंद रहते हैं उस समय उसकी उसमें कैसी ज्योति जलाई जाती है? हाँ, मैं आपको बताऊं कि गंगोत्री धाम में अखंड ज्योति है। आप कपाट खुले होंगे तब भी जाएंगे, उसके दर्शन होंगे, और वही दीपक जब आप कपाट बंद होते हैं और वापस पुनः 6 महीने बाद खुलेंगे तो उसके दर्शन यथावत रहते हैं। कहने का मतलब तो इसके पीछे का राज क्या है? हाँ, इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये चार धाम के कपाट क्यों बंद हो जाते हैं, वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है, इसलिए बंद हो जाते हैं। मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ठंड का कोई रीज़न नहीं है। इसका जो मूलतः रीज़न है, जो हमारे यक्ष होते हैं, गन्धर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, 6 महीने मानवीय दर्शन है और 6 महीने देवताओं के दर्शन है। हम मानव लोग 6 महीने दर्शन करने जा सकते हैं जब कपाट खुले रहते हैं, और जो ये कपाट बंद होते हैं फिर 6 महीने देवीय दर्शन होते हैं। जैसे यक्षर हो गए, गंधर्व हो गए, किन्नर हो गए, इन लोगों के लिए दर्शन रहते हैं। तो इस बात को मैंने बोल दिया तो ना भी कोई विश्वास करे, तो ये उसका प्रतीक है कि वो दीपक जलता रहता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कि यक्ष गंधर्व किन्नर देवता आते होंगे, देव एक देख करते हैं तभी ये 6 महीने तक जल रहा है, तो ये उसका भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप जो दीपक की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ज्योति है या जो बाती से जो दिया जलाया जाता है वो है? जो बाती से दिया जला जाता है वो है, और उसमें तेल या घी जो भी है वो, हाँ, लगा रहता है, घी डाल दिया जाता तो है। आप जब कपाट बंद करते हैं जी, उस समय में जो घी दिया जाता है जी, वो 6 महीने चलता है आपका चलता कहना है? बिल्कुल, घी तो कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन बत्ती निरंतर जलती रहती है। जो अखंड का मतलब जो कभी खंडित ना हो, अखंड शब्द का जो व्याख्या होती है वो जो कभी खंडित ना हो उसे अखंड कहा जाता है। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो घी के दीपक जो जलते हैं वो तो जितनी देर घी रहेगा उतनी देर ही तो चलेंगे, लेकिन आप जब तो, आप कह रहे हो 6 महीने चलता है। हाँ श्रीमान, मैं आपकी बात को बताऊं कि घी होने के बाद भी दीपक बुझ जाता है अगर उसको देख ना करें, क्योंकि बत्ती बढ़ानी पड़ती है, उसको कम करना पड़ता है। अगर घी होगा तो भी बुझ जाएगी, पर ये देवता लोग आते हैं, यक्ष गंधर्व इस बात को प्रमाण दे रहा है कि देखो वो तब भी जल रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या कि देवता या जो भी 6 महीने की कपाट बंद के समय में आते हैं, हाँ, वो उसका रेख देख करते हैं? हाँ, वो रेख देख करते हैं, तभी तो कहा गया कि 6 महीने देवता और 6 महीने मानवीय दर्शन, 6 महीने देविया लोग उसके पूजा करते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, यी मध्ये को नामले भगवान कृष्णलाई सम्बोधन गरिदैन? अप्सन ए गिरधर, अप्सन बी लम्बोदर, अप्सन सी मुरलीधर र अप्सन डी दामोदर। दिएका अप्सनहरु मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजीको ग्यास गिजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सोलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सोलिड सिमेन्ट।
अपनो। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं गंगोत्री धाम का रावल शिव प्रकाश जी महाराज जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। ये गंगा जल का एक कई लोग देखते हैं कि हम आजकल दुकानों में भी गंगा जल बोल के बिकता है, प्लास्टिक की शीशियों में मिलता है। गंगा जल जो संचय किया जाता है कैसे पात्र में करना चाहिए? गंगा हमारी अनमोल धरोहर है। हम कुछ ना अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाएं, ऐसा ना हो कि गंगा ही ना बचे, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ ही ना पाए। तो जैसे हम अपनी कीमती चीज़ को बड़े संजोल के रखते हैं ना, तो मैं सभी श्रोताओं को ये संदेश हिमालय टीवी के माध्यम से देना चाहूँ कि जब भी आप हरिद्वार जाएं, बनारस जाएं, गंगोत्री जाएं, कहीं भी जाएं, आप गंगा जल लेके आते हैं। हम लोग अधिकतर देखा, मैंने भी लोगों को प्लास्टिक का डब्बा लिया, भरा कि इसमें ज़्यादा जल आ जाता है और अपने घर को चल दिए। नहीं, ये त्रिदेवत्व है, ये साक्षात परमात्मा भी इसको है। तो इसको आप जितना कीमती सामान, हीरे की अंगूठी होती है ना, उसको पल्ली में रख के ले जाते हैं क्या कोई, या प्लास्टिक की केन में लेके जाते हैं क्या? नहीं लेके जाते ना। वैसे ये हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, क्यों ना हम इसे अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए संजो के रखें। तो जैसे हम अपनी कीमती चीज़ को संजो के रखते हैं, संभवतः ना किसी के पास ऐसा हो तो कम से कम ताम्र हो गया, पीतल का हो गया, इन बर्तनों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का ना करें, वर्जित करें। यह मैं संदेश हिमालय टीवी के माध्यम से देना चाहूँगा। और गंगा को धरती में भगवान का प्रत्यक्ष रूप भी कहा जाता है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। क्यों? कि आपका क्वेश्चन था कि गंगा जल कभी दूषित नहीं होता है, क्या परमात्मा को कभी कोई दूषित कर सकता है? सीधा सीधा प्रमाण है कि साक्षात परमात्मा है, इसलिए दूषित नहीं होता है। ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, ये साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और मैं समय आपको बताऊं कि देवी भागवत में, सॉरी श्रीमद् भागवत महापुराण में एक आता है आख्यान कथा आती है कि एक रास महोत्सव का आयोजन होता है, सभी देवताओं का एक रात महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसमें सभी देवताओं की मन में इच्छा होती है कि माँ सरस्वती कोई संगीत का गायन करे करके। तो सरस्वती जी एक गायन करती हैं और सभी लोग देवता लोग मंत्रमुक्त प्रोत्साहन उनको कुछ पारितोषित देते हैं। जब कोई बहुत अच्छा करते हैं ना तो उनको इनाम दिया जाता है, वैसे सरस्वती को लोग पारितोषित। सभी देवताओं के मन में इच्छा जागृत होती है कि संगीत आखिर निकला तो भगवान शंकर के हैं, तो क्यों ना शंकर जी अगर, पर लेकिन कोई बोल ना पाए। भगवान शंकर देवों के देव हैं, उन्होंने सबकी इच्छा को समझते हुए एक संगीत का गायन किया, मूर्छित राग उसको कहा जाता है। उन्होंने मूर्छित राग का गायन किया और जितने देवता थे सब मूर्छित हो गए। सहस्राणी पंचवर्ष शतानी च अत्र तपे तीर्थम जीर्ण पर्ण आसनम। गंगोत्री धाम में राजा भगीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या 5,500 वर्ष तक की। इससे पहले उनकी कई पीढ़ियों ने तपस्या की। मैं राजा भगीरथ की तपस्या आपको बता रहा हूँ कि 5,500 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। जीर्ण पर्ण आसनम मतलब जो देवदार के वहाँ पे वृक्ष होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं जीर्ण, ताजे पत्ते नहीं, जब वो जीर्ण हो गए, रोज जीर्ण होने के बाद कभी आप गंगोत्री आए तो उनको देखना वो सुई से भी ज्यादा नुकीले हो जाते हैं। उनका उन्होंने पाषण किया, इतनी कठोर तपस्या की, फिर गंगा धरती लोक पर प्रकट हुई, जिस जगह को आज गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। गंगा इति उतरी शाह गंगोत्री, जहाँ पे गंगा उतरी वही शब्द गंगोत्री है। अन्य कई जगह बताते हैं कि देवप्रयाग पे अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तब वो गंगा बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा जहाँ उतरी है वो स्थान गंगोत्री कहलाया है। इतनी जब शुद्धता गंगा में है या पुराणों में इसका इतना बड़ा वर्णन है, तो फिर हम इंसानों का जब, इंसानों की जब मृत्यु होती है, हिंदू शास्त्र के अनुसार उनका जो दाह संस्कार किया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा जो अंतिम में गंगा को अर्पण किया जाता है, ये अशुद्धि क्यों की जाती है? ये अशुद्धि नहीं है, ये काफ़ी लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ये अशुद्धि हो रही। ये हमारे पुराणों में ऐसी मान्यता थी कि देवी महापुराण में ऐसा आख्यान आता है एक जगह कि एक राक्षस थे और वो बहुत दुराचारी और पापी व्यक्ति हुआ करते थे और कभी सत्कर्म नहीं किए थे। जब भी जो भी कर्म करते थे वो गलती पाप कर्म ही करते थे। तो एक दिन वो शिकार करने जंगल में चले गए और शिकार करते 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 घनघोर जंगल में पहुंच गए और वहाँ उन्हीं का शिकार हो गया, उन्हीं का शिकार हो गया।
यहाँ राजा का इंतजार करते करते जब नहीं आए तो उन्हीं के पुत्र को राजा अभिषेक करके राजगद्दी में बिठा दिया गया। उसके बाद उनका जो जहाँ पे जिस जानवर ने उनका शरीर का भक्षण कर रहे थे, चील जो आदि होते हैं जो मांस खा रहे थे, तो उनका जो पेट भर गया, नहीं खा पाए वो ज़्यादा, क्योंकि राजा हष्टपुष्ट था, खूब राजा ही था, तो वो पेट भरने के बाद जब ज़्यादा आदमी खाता ना, पानी पीने की इच्छा होती है, तो वैसे ही वो जो पक्षी थे वो पानी पीने गंगा जी में चले गए और वहाँ वो चोंच में पानी पीने लगे। तो कोई उस राजा का जो चमड़ी या कुछ दांत में रह गया होगा और वो गंगा जी में गिर गया। इधर क्या हो गया, इन्होंने कोई पुण्य तो किया नहीं था, पाप पाप कर्म किए थे, तो यमराज इस बात में चिंतित थे कि इनको कौन से दंड पहले दूं। तो जैसे ही वो इनका जो शरीर का कण था वो गंगा जी में गिरा, तो भगवान के पार्षद यमराज के पास पहुंच गए कि अरे ये जो राक्षस है इसके दे दो, वैकुंठ लेके जाना है। तो बोले क्यों वैकुंठ लेके जाना है, तो बोले कि भगवान ने बुलाया है। तो यमराज ने बोला कि ये भगवान का कौन सा न्याय है, मैं भी साथ चलता हूँ। तो यमराज भगवान के राक्षस का आत्मा को लेके वहाँ पहुँचे, तो बोले महाराज इतने तो एक भी कोई सत्कर्म नहीं किया है, सारे पाप कर्म किए हैं, तो इनको कैसे वैकुंठ किया होते। तो भगवान ने कहा कि इनका जो पंच तत्व जो शरीर था वो मेरे जल में मिल गया है, तो वे वैसे ही वैकुंठ आ गए हैं, जिनको पंच तत्व शरीर है वही वैकुंठ आ गया, तो ये तो स्वाभाविक इनके सारे पाप नष्ट हो गए और ये वैकुंठ के वासी हो गए। जैसा कि ब्रह्म पुराण में भी कहा है कि गंगा गंगे त्योर भूरियात योजना नाम क्षतेरअपि मुच्यते सर्व पापे भ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, कि कहीं योजनों से, थोड़ी बहुत दूर से नहीं, कहीं योजनों से अगर कोई गंगे गंगे कहता है तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं, इसका तो शरीर ही गंगा में आ गया है, तो वो वैकुंठ के वासी हो गए। और दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी, ऐसा एक वर्णन आता है कि दृष्ट देखने मात्र से अगर हम शरीर से गंगा जी को देख लें तो शतम पापम दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, देखने मात्र से 100 जन्म के पाप खत्म होते हैं, और पित्वा जन्म शतद्वयम अगर पान कर आचमन कर लिया तो 200 जन्म के पाप खत्म, और स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी स्नानी कर लिया तो फिर कहना ही क्या है, 100 जन्मों के पाप भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसी गंगा मैया की मानता है। इससे भी लोग अस्थि प्रवाह करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था, तो संभवता है कि अगर हम इसको संजोल के रखें, पर लेकिन एक परंपरा है लोग करते हैं, अगर रोक सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है कि ना करें, पर लेकिन ये तो अस्थि की बात आपने जहाँ तक कही, हम तो कहते हैं कि अस्थि को नहीं, जो पहले जो और जो गंदगी है तुम्हारी गंगा जी में जा रही है उसमें पहले विराम लगाएं, अस्थि की बात तो हम बाद में करें। नहीं, लेकिन अगर जो आपने कहानी बताई जी, अगर उस कहानी को सत्य माना जाए जी, तो फिर जो अस्थि प्रवाह हम गंगा जी में करते हैं, इसका मतलब जो आत्मा इस संसार से गई जी, वो पूर्ण मुक्त हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं है। मैंने आपको पूरा इसका वृतांत सुनाया देवी महापुराण का, बिल्कुल कोई संशय नहीं, हमारे पुराणों में बड़े उच्च स्वर से इसका गाया है, कोई संशय वाली बात नहीं है। आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और आपने जो प्रण लिया है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक आप हमेशा हर साल जल गंगोत्री का लेके नेपाल आते रहेंगे, इसमें सफलता मिलती रहे ये कामना करता हूँ। जय गंगा मैया, जय पशुपतिनाथ, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद, जय गंगा मैया। दर्शक वृंद, अभी आपा बातचीत कर रहा था गंगोत्री महात्म के बारे में, आप लोग सुनिया इन विषय पर आप जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, पितृहरूको सम्झनामा सतबीज कहिले छर्ने परम्परा रहेको छ? अप्सन ए बाला चतुर्दशी, अप्सन बी हरिशयनी एकादशी, अप्सन सी निर्जला एकादशी र अप्सन डी धान्य पूर्णिमा। सही उत्तर हो अप्सन ए बाला चतुर्दशी। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ? 98 41 32 03 59। सिजीको स्पिकर सेट पाउन सफल हुनु भएको छ? 97 5 10 38 897। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्यवानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 49 82 38 04 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्येको नामले भगवान कृष्णलाई सम्बोधन गरिदैन, अप्सन ए गिरधर, अप्सन बी लम्बोदर, अप्सन सी मुरलीधर र अप्सन डी दामोदर।
दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजीको ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही अगले शनिवार फिर नई सामग्रियों के साथ उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ऐ कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो नमस्कार सुंदर सपना का फ्यूचर दे अपनो पहिचान फैलाउँदै नया नया विचार को ल्याउँदै उपहार भाई सरस्वत बाबुको जसले बिजाउँछ सौरा भाई सरस्वत बाबुको जसले बिजाउँछ सौरा हामी सबैको प्यारो आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव